This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। पंजाब के जालंधर में देहात पुलिस द्वारा श्री खडूर साहिब के सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के भाई हरप्रीत सिंह को आईएस ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। गाजीपुर में बेसिक शिक्षा विभाग में ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध कर रहे अध्यापकों ने सामूहिक रूप से संकुल पद से इस्तीफा दे दिया। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की आज शुक्रवार को अहम बैठक हुई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई शहरों में अगले 3 से 4 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल में मौसम खराब रहने के कारण राजधानी काठमांडू से भरतपुर और चितवन तक की सभी उड़ानें आज के लिए रद्द कर दी गई है। नेपाल में आज सुबह मतन आश्रित हाईवे पर भूस्खलन की वजह से करीब 63 यात्रियों को ले जा रही 2 बस त्रिशूली नदी में बह गई। रांची में आज से 14 जुलाई तक आयोजित होने वाली आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की वार्षिक बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों और उसकी तैयारियों पर मंथन होगा। महाराष्ट्र में आज विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। ये चुनाव दिलचस्प हो गया है क्योंकि यहाँ पर 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार चुनावी दमखम में उतारे गए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि नितिन गडकरी ने मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को राष्ट्रीय राजमार्ग NH-166S इससे जोड़ने वाली 7 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के लिए यूएस टीवी पर्सनालिटी किम कार्दशियन मुंबई पहुंची। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी अपनी लेडी लव राधिका मर्चेंट संग 12 जुलाई यानी आज मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में शादी के बंधन में बन जाएंगे। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 से 3 घंटे में और भारी बारिश हो सकती है। कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वाली हिट एंड रन केस मामले में आरोपी मिहिर शाह और आरोपी ड्राइवर को पुलिस स्पॉट पर ली गई है, जहां क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। वही आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में मुंबई पुलिस ने बीजेपी विधायक नितेश राणे को नोटिस भेजा है। मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजार को भी ठोस ओपनिंग मिली है। घरेलू शेयर बाजार तेजी के साथ खुला है और सेंसेक्स निफ्टी क्रमशः 80,000 और 24,300 के ऊपर खुले हैं। आईपीएल 2024 के 10वें मैच में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां ग्लेन फिलिप्स को हवाई छक्का रोकने के लिए सुपरमैन बनना पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अपने आखिरी टेस्ट में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो अब तक कोई तेज गेंदबाज नहीं बना सका। पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश के कारण राज्य में कई नदियों का जलस्तर बढ़ा है। इसे देखते हुए डीएमडी ने तमाम जिले के अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। साउथ सुपरस्टार प्रभास और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने कल्कि में क्या कमाल किया है, इसी का नतीजा है कि फिल्म दुनिया भर में कमाल का कलेक्शन कर रही है। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की पिछली कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर निराश किया है। कई लोग उनके विरोध में उतरे थे कि वे ढंग की फिल्मों का चयन नहीं कर रहे हैं। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।